बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत देख के दुख बहुत मर के आ रहे हैं कि लड़की लोगों का जो हालत, मतलब हमने न्यूज में और बाकी यूट्यूब में अरे सब चीजें सुनते रहते, प्रत्यक्ष रूप में भी कोई अनुभव आज ऐसा देखे, हम लोग एकदम टच में जाके ये सब चीजें महसूस कर रहे हैं। तो महसूस एक चीज हो गई है कि कैसे ये प्यार मोहब्बत दिखा के लड़की लोगों को फंसाया जाता है और उसका दुरुपयोग करता है, इसका उदाहरण आज हमने देखा। देखो, मैंने एक ही कहना चाहूँगी, लड़की आज की समझदार है, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, ये पहले भी है, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। माँ बाप ने समझाने से, हम समझाने से थोड़ा बहुत फर्क कर सकते, लेकिन समझना आखिरी लड़की लोगों को ही है। ये हमारे जीवन में आगे जाके क्या अच्छी बात है, क्या होने वाला है। और आजकल जो कितना सारे, इस साल में तो हमने ऐसा ये किया है, कोई किसी को फ्रिज में पाया गया, किसी को टुकड़े और कई जगह पे पाए गए। ये लड़की ने समझना चाहिए, प्यार अच्छा होना चाहिए। प्यार अपना समाज में भी हो सकता है, अपने जात में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रजाति में जाके प्यार करना है। और जो इसे करते हैं उसे 10 बार सोचना चाहिए, मेरे माँ बाप में खुद जाके जिंदगी अच्छी जी पाऊंगी कि नहीं। सभी का आज यहाँ पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि धर्मांतर के आड़ में हमारी बहनें, हमारी बेटियों को किस तरह आतंक के दलदल में धकेला जाता है। इस षड्यंत्र को उजागर करने के लिए द केरला स्टोरी, ये मूवी जो डायरेक्टर और निर्देशक प्रोड्यूसर ने बनाई, आप सबके तरफ से, देश की सभी महिलाओं के तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी पिक्चर आपने बनाई। ये सही मायने में एक रक्त रंजित सच है जो देश भर में जन जागरण करने का काम ये द केरला स्टोरी के द्वारा की जा रही है। इसकी सराहना तो हमें करनी है, लेकिन साथ साथ अपने घर की महिलाएं, चाहे हमारी बहन हो, हमारी बेटियां हो, चाहे हमारी महिला मित्र हो, सभी को निवेदन करना है कि आप भी जाइए और ये पिक्चर देखिए और अपने आप के अंदर एक अवेयरनेस, ऐसे जागरूकता हम सभी को लानी चाहिए। आप सब बड़ी संख्या में आए, इसलिए मैं तेजिंदर सिंह तिवाना आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, और खास करके रोहिणी ताई और उनकी पूरी महिला मंडल, रोहिणी ताई पूरा महिला मंडल और हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी सब प्रमुख कार्यकर्ता आज उपस्थित है। आप सभी ये पिक्चर देखें और अच्छी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग कुछ सीख यहाँ से लेकर जाए, यही अपेक्षा है सबसे। आप सब आए इसलिए आपका फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसके पहले कोई भी पार्टी ने, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट भी नहीं करी, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं, बहुत अच्छा काम किया, मूवी दिखाया। आज से पहले हमें पता नहीं था कि केरला ऐसी, मतलब केरला में कभी ऐसा होता भी है। आज हमने उस मूवी को देख के समझा कि केरला में सच में ऐसा होता है लोगों के साथ। इसके पहले तो हम सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दो फोटो देख के भूल जाते हैं, केरला में नहीं मैडम, हर देश में होता है बकायदा। और मैं लेकिन मुसलमान धर्म अपना है, आपस में प्लीज, आपस में इस्लाम जो भी अपनाया फिर भी उसमें गलत दिखाया ना, वो तो बोले हिंदू में ही गलत होता है और मुसलमान में भी गलत होता है। उन्होंने कहा सीता माँ को राम जी ने प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीता माँ जब उनके साथ गई थी, कभी भी अपनी संस्कृति और अपने बुक को उठा के पढ़े, किसी पे भरोसा ना करें। अपने बुक में जो लिखा है, आज फक्र से कहना चाहिए, जो साइंटिस्ट, हम नहीं मानते अपनी संस्कृति को, लेकिन बाहर के लोग बहुत मानते हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हमारी बुक्स पे रिसर्च करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति में कोई तो बात है कि बाहर के लोग सर्च हैं। सबसे पहले हमें सम्मान करना चाहिए कि हम इस देश से हैं, जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे तब तक कोई हमारे धर्म का सम्मान, हम हिंदुओं के नहीं सम्मान करेंगे तो दूसरा कोई समझेगा हमारे मजहब को। पहले अपने धर्म की सम्मान की करना सीखें, अल्लाह ही सिर्फ सब कुछ होता है, सबको ये पूरी दुनिया जानती है कि सनातन सबसे पुराना धर्म है। हमें ना सिखाया जाए आप क्या हो, अपने मजहब को आप मानो, हम क्या, हम अपने मजहब को, हम कन्वर्जन पे भरोसा भी नहीं रखते। और उससे भी बड़ी बात, जैसे उस लड़की, एक अकेली लड़की ने कम से कम 4 लोगों की ज़िंदगी खराब की इस मूवी में, और शायद इसने इससे भी ज़्यादा लोगों की खराब की। तो समझें, कभी भी अगर आपको कुछ पसंद है अपने माँ बाप को, तो इस जगह माँ बाप को पहले समझना चाहिए जब